दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कांटा गुच्छने वाला और एक होता है कांटा निकालने वाला। तो जो कांटा निकाल रहा होता है उसको कांटा निकालते समय जो आनंद आ रहा होता है, उस आनंद को आप करोड़ों अरबों रुपए देकर भी नहीं ले सकते। जिस व्यक्ति का कांटा निकाला गया उस व्यक्ति का भी जो आनंद है उस आनंद को भी धन देकर के नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह आनंद ऐसा आनंद है, अद्भुत आनंद, जो सिर्फ अंदर उसको, किसको, जिसको मिला है उसको ही पता है। जिसको आनंद मिलता वही जानता है, क्योंकि आप कथा रसपान कर रहे हैं, तो कथा रसपान करें तो आपको जो आनंद मिल रहा है। इसी क्रम में हम लोग जो हैं कांटा निकालने वाले को कह देते हैं, अरे उससे क्या होगा, कांटा निकालने से क्या होगा। सेवा का पहला भाग वही तो है, हम लोगों ने कथाओं में यही तो समझा है, क्योंकि कथाओं में यही समझने के लिए ये बारीक चीजें, छोटी छोटी चीजें हमने कहा है। कथाएं तो सबको याद हैं, सारी कथाएं याद हैं, एक एक चीज बारीक से बारीक याद है, लेकिन यदि बोला जाए कि भैया किसी का कांटा निकालना है, किसी को भोजन कराना है, ठीक है, तो बोले हमारे पास खुद ही नहीं, क्या करें। आप विचारों से महत्वपूर्ण बनिए। देखो गाय की बात हम हमेशा करते हैं, गौ माता की सेवा लगभग लोगों के घरों में होती है, लेकिन अधिकतम घरों में स्वार्थ परता से होती है, सबको पता है। अगर गाय दूध नहीं दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अब इस गाय को जो है कहीं किसी को दे दो भैया, ठीक है। अरे गाय का गोबर कितना कीमती, आप सोचिए, एक गाय अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम 24 घंटे में आपको 5 कंडे देने का सामर्थ्य रखती है, गलत है क्या, कम से कम 5 कंडे। और अगर आप एक टाइम का भोजन बनाते हैं तो ज्यादा ज्यादा एक व्यक्ति को 2 कंडा बन जाएगा, बहुत सहज बात। और कंडे की आग में जो बना हुआ भोजन है, पका हुआ भोजन, आपको जो ऊर्जा देता है, उस ऊर्जा को जो निरंतर उसको उपयोग कर रहे हैं वही जान सकते हैं। गाय का जो गौमूत्र है, देखिए किसके लिए उपयोगी नहीं वो जाने, दूध नहीं दे रही है इसके बाद भी उपयोगी है। और जिसने जीवन भर आपको पाला पोसा, जिस देश में गाय की पूजा होती है, पूजा का मतलब ये है आप अगरबत्ती लिए ना खड़े रहो, लेकिन आप उसका स्थान साफ कर दो, आप जो है उसको, कभी गर्मी लग रही है आप ये सोचो उसको थोड़ा पानी डाल दो, स्नान करा दो, थोड़ा ठंडक उसको मिल जाए, ठीक है, थोड़ा साफ कर दो उसको, थोड़ा भोजन आप जो कर रहे हो उसको भी भोजन दे दो, यही तो पूजा है। पूजा का मतलब क्या है ये बताइए, आपके घर में कोई आएगा तो आप उसको अगरबत्ती घुमाते रहेंगे क्या परमानेंटली? नियम क्या है कि कोई आया तो आपने उसको बढ़िया प्रेम से अपने या तो गले लगाया या उसके पैर पड़े, उसको सम्मान दिया, तिलक किया, आइए बैठिए, इसके बाद में आप उसके पास 2 बैठेंगे, थोड़ा उसकी भोजन व्यवस्था करेंगे, थोड़ा उसका सम्मान करने के बाद, अगर आप उसके दीपक जलाते घुमाते रहेंगे परमानेंट तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका, कहेगा आगे तो कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ दीपक घुमाया जा रहा है। यही क्रम हमारे आपके सबके साथ, इसको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा बारीक चीजें हैं, इन सब चीजों पर हम लोग घुस नहीं पाए जीवन भर, इसलिए गड़बड़ हुआ। और परमात्मा ने इसीलिए कहा, देखिए हमसे कुछ आता नहीं है, हम बिल्कुल सही बताते हैं आपको, हमको परमात्मा की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा, डाकिये का काम क्या होता है, डाकिये का काम यह है कि जो संदेश आया उसको भेज दो, हम तो डाकिया हैं, परमात्मा के डाकिया हैं हम, उसने हमारे पास हमको माध्यम बना के जो भेज दिया, हमारे पास इतना ज्ञान होता तो हम यहां बैठे रहते, लेकिन ये परमात्मा की बड़ी कृपा, उसने योजना बनाई। आज आदमी क्या चाहता है, खूब भीड़ हो, बड़ा टेंट हो, तब मैं कथा करने जाऊंगा, ठीक है, बाजा गाजा, बढ़िया बाजा होना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए। हमने क्या कहा, किसी से हाथ नहीं फैलाना, स्वाभिमान से आप कथा सुनिए, आपकी कथा में किसी का कर्ज नहीं होगा। और नहीं तो आखिरी में चंदा करते हैं, फिर नहीं यार पैसा ज्यादा लग गया कथा में, फिर से दो 1,000, नहीं हो रहा पूरा, होता है ना। लेकिन आपकी कथाओं में आखिरी में नहीं, अभी से बचत ही बचत है, क्या है, कुछ लगना ही नहीं है, जहां लगना ही नहीं तो बचत ही बचत, क्या लगेगा, भाव लगना, जो भाव लगना है वो सबके प्रति। कोई आए बढ़िया, सब लोग अभी बच्चे हैं, बच्चे लोग 2-4 मटका ला के रख दो बढ़िया, ठीक है, अपन 2-4 लोग बच्चे लोग हैं, एक एक बाल्टी ला के पानी डाल देंगे, उसमें पानी पिलाओ बढ़िया, बैठ के शक्कर ला के रख देंगे,
ठीक है, शरबत बना के पिलाओ बढ़िया, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेवा सबसे बड़ी पूंजी है और ये सबको नहीं मिलती। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी एक बड़े सेठ जी के घर गए, ध्यान से सुनना है, प्रयास करिए कि अगर इस शरीर के इस वाणी के द्वारा कोई शब्द निकल रहा है उसको बड़ा हमको ध्यान सुनना है और लेकर के जाना है, उस पर अमल करना है। आप मुझे कुछ मत देना लेकिन इस वाणी पर अमल करिए, किसी के लिए भी आपने कुछ कर दिया तो इस वाणी की सार्थकता हो जाएगी। तो सेठ जी के पास एक महात्मा जी आए, बड़े सेठ जी थे, साहूकार, बड़ी फैक्ट्रियां चलती थी उनकी, हाँ, महात्मा जी आए तो सेठ जी को लगा कि कर्मचारी नहीं है कोई, कर्मचारी होता भी तो पानी देना था, तो सेठ जी ने अपने हाथ से पानी दिया महात्मा जी को, तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ा जब सेठ जी का तो बड़ा हाथ मुलायम, तो बोले सेठ जी आपका हाथ तो बड़ा मुलायम है, बोले मैं कोई काम नहीं करता हूँ ना, इसलिए जो है मुलायम है। तुरंत महात्मा जी ने हाथ छोड़ दिया, गिलास छोड़ दिया, बोले ऐसे आदमी के हाथ का पानी नहीं पीना मेरे को, जो आदमी काम ही ना करता हो, जो नौकरों को ही भरोसे रहता हो। भाई अभी हमसे कई लोग कहते बाबा जी आप बर्तन भी मांजते हो, आप भंडारा भी बनाते रहते हो, आप परोसते भी हो, ठीक है, किसी को रख क्यों नहीं लेते। मैंने कहा रखेंगे तो नौकर वाला भाव हो जाएगा उसका, अभी हम सेवक हैं, क्योंकि जब तक आप सेवक रहेंगे तभी तक आप सबसे बड़े मालिक रहेंगे। आप अपने पिता के लिए, आप अपने पिता के जब पैर पड़ते हैं तो क्या पिता के पैर पड़ने के लिए आप नौकर रखेंगे? आप अपने बच्चे को जब डांटते हैं तो क्या आप अपने बच्चे को डांटने के लिए नौकर रखेंगे? नहीं रखेंगे। आप अपने बच्चे को समझाने के लिए स्वयं को, और एक बात हम हमेशा कहते हैं सभी कथाओं में कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कितना भी समझदार हो जाए, लेकिन दो कामों के लिए कभी वो नौकर नहीं रखेगा, एक भोजन करने के लिए, एक शौच क्रिया करने के लिए। दो काम के लिए कितना भी बड़ा हो जाए वो नौकर नहीं रख सकता। तो निश्चित मानिए कि नौकर के भरोसे नहीं रहना हमको, हमको सहयोग ले लेना है। अगर कोई ऐसी बात है भाई, अब कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, प्रयास करिए कि नौकर नहीं सहयोगी रखें। हमसे किसी ने कहा बाबा जी हमको चेला बना लो, हमने कहा हम तो खुद ही चेला हैं भैया, हम चेला नहीं बनाते, हम तो शिष्य वृत्ति में हमेशा रहते हैं। जो शिष्य बना रहेगा वो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, और जो गुरु बन जाएगा उसको ज्ञान बांटने की इच्छा रहेगी। अरे यार कोई चेला नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं इसको जो है, ये होता है। हमेशा अपने आप को शिष्य बनाकर रखिए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, वो चाहते तो 24,000 चेला बना सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु बनाए और शास्त्रों में विधान दिया। क्या विधान दिया? आपको भी हमेशा गुरु बन, जिससे जो कुछ मिल जाए सीखने को वो आपका गुरु है। सही बात है, गुरु भाई है आपको, जिससे, अगर आपको छोटे बच्चे से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, चोर से भी कुछ सीखने को मिले, तो चोर को भी आप गुरु बनाए। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको दंडवत कर ले। एक गुरु वो होता है आपने उससे सीखा, वृक्ष भी हमारा गुरु है। अब वृक्ष का आप निमंत्रण करेंगे क्या? अरे वृक्ष तो आपको खुद ही पाल रहा है, तो वृक्ष का हमको निमंत्रण नहीं करना है। अग्नि भी हमारा गुरु है, भस्म कर देती है सारी बुराइयों को। और अब अग्नि में देखिए, एक अग्नि जलती है हमारे चूल्हे में, एक अग्नि जलती है हमारे हवन कुंड में, एक अग्नि जलती है चुंगी में, तीनों अग्नि हैं, लेकिन तीनों अग्नि में पूजन किसका हो रहा है? जो हवन कुंड में जो अग्नि जल रही है। यहां पर 10 रुपए किलो की लकड़ी और 1,000 रुपए किलो की सामग्री समिधा जलती है, और इसमें से जो राख निकलती जिसको अपन भभूति कहते हैं, उस भभूत के लिए, उस विभूति के लिए लोग जो हैं दोनों हाथ फैलाए, साष्टांग पड़े हैं, एक रज मिल जाए, थोड़ी सी रत्ती भर मिल जाए, और चूल्हा से वही राख निकलती है इतनी सारी, उसको ले जाके फेंक देते हैं और जूठा मांज रहे हैं, दोनों राख हैं। अगर एक भाव से देखें तो दोनों राख हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर है, तो एक शरीर आपका है, एक शरीर हमारा है। आपका शरीर कितना उपयोगी आप जानिए, हमारा शरीर कितना उपयोगी हम जाने, हर व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग जाने। अयोध्या की चर्चा क्यों होती है? अपन ने कहा हमारा गांव ही क्यों ना अयोध्या बन जाए, हमारे घर के हर बच्चे राम क्यों ना बन जाए,
क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने। वो खुद भले संस्कारी हो या ना हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहता तो जरूर है। कहते एक चोर व्यक्ति भी जो है ईमानदार कर्मचारी चाहता है, वो चाहता मुझे भी कर्मचारी मिले तो एक नंबर का मिले, भले वो चोरी कर रहा है लेकिन चाहता ईमानदार है। इसी तरीके से एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये कौन चाहता? हर पिता चाहता है। वही दशरथ जी चाह रहे हैं, लेकिन दशरथ जी के पास में संतान नहीं। दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए। ऐसी अयोध्या कैसी? अयोध्या ऐसी है, उस अयोध्या में कहते हैं कि कभी कोई पानी में डूब कर नहीं मरा, कभी किसी को बुखार नहीं आई। क्यों? अरे जहां पर राम जैसे राजा हों, राम राज्य करने वाले हों, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए ऐसा। तो जहां पर राम जैसे राजा ने राज्य किया हो एक समय पर, लेकिन कब हुआ उसके पीछे की बड़ी घटना है। जब माता कौशल्या ने तपस्या की, दशरथ जी ने तपस्या की, और तो और दशरथ जी को श्राप तक मिला श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा कि जाओ तुम्हारी मृत्यु पुत्र शोक से होगी। दशरथ जी एक बार पुत्र शोक का आनंद भी ले चुके हैं। बोले पुत्र शोक का आनंद? बोले पुत्र शोक का आनंद यह है कि चलो पुत्र होगा तो कोई अग्नि देने वाला नहीं, क्योंकि अभी तो है ही नहीं है। तो उनको ध्यान आता था कि उन मुनि ने श्राप दिया है तो मुझे पुत्र जरूर होगा, तो आनंद ले लेते थे। भले मर जाऊं पुत्र शोक से लेकिन होगा जरूर, तो आनंद भी ले लेते थे। कहते हैं दशरथ जी ने अपने गुरु जी जनों से, अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्री जी, मंत्री कौन? सुमंत्र जैसा मंत्री उनके पास में, 8 मंत्री 8 गुरु, वशिष्ठ जैसे गुरु। वशिष्ठ जी आ नहीं रहे थे, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वशिष्ठ जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा पुरोहिती करने, पंडिताई सबसे खराब काम माना गया है। क्यों? क्योंकि सबसे वसूलना पड़ता है, सबका 10 प्रकार का धन लेना पड़ता है। हम क्यों बोलते हैं कि हमको नहीं लेना धन? इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा पुरोहिती करने, पुरोहिती करने में यजमान का धन लेना पड़ता है, यजमान का धन पता नहीं कहां कहां से आता है। तो बोला गया, ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ जी आप जाओ, अच्छा बताओ तपस्या करोगे आप तो तपस्या के बदले में क्या मिलेगा? बोले परमात्मा। तो बोले जाओ अयोध्या, जाओ अयोध्या में जाकर के तपस्या करो और आपको उस तपस्या के बदले में अपनी गोद में परमात्मा को खिलाने को, गोद में खिलाओगे आप अपने परमात्मा को। कितना सौभाग्यशाली क्षण होगा कि गोद में खिलाने को मिले। आपको पता चल जाए, अभी जैसे कोई बच्चा कुछ बड़ा अधिकारी बन जाए तो अपन उसके क्या कहेंगे, हम तुमको गोद में खिलाए हैं कहते हैं ना अपन। और चोर बन जाए, हम नहीं चीनी यार के खा लड़का आया, और जब कोई गोद में तुम खिलाए हो। लेकिन अपन ये नियम है, हम लोगों का एक संस्कार होते हैं जीवन में, सबके साथ है। आश्रम के बाहर से हम कई बार कुछ लोग निकलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं मालूम बाबा जी हमारे साथ पढ़त रहे हैं, कुछ लोग जो हैं ठीक है, तो उनके अंदर गर्व है इस बात का कि भाई एक पवित्र आत्मा जो है ठीक है। तो ऐसा कई बार जब हम ध्यान में बैठते हैं, कई बार अकेले में कोई काम कर रहे होते तो सुनने में आ जाता है। तो निश्चित मानिए कि इसी तरीके से आपके साथ बैठने वाले को गर्व होना चाहिए आप पर कि आपके साथ वो बताए जानते हो मैं किसके साथ बैठने वाला हूं। किसी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। संगत कैसी हो? जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है ना। संगत हमेशा बड़ी टॉप की हो। इसीलिए हमारे पास में जो लोग खुद नहीं आते हैं अपने बच्चों कहते हैं जाओ बाबा जी के पास। वो माता पिता भले ना आए लेकिन कहते हैं बाबा जी के पास जाया करो तुम। बोले क्यों जाए? बोले बाबा जी अच्छी बात बताते हैं बेटा। बोले आप क्यों नहीं जाते? बोले यार मैं क्या बताऊं थोड़ा मैं ठीक है। तो कितना, और बच्चे हमको बताते हैं बात, बोले बाबा जी हमारे पापा जी मम्मी दादा दादी बोलते हैं कि बाबा जी के पास रहा करो जाया करो। तो एक पल के लिए हमको अच्छा लगता है
कि वो इस बात को समझ रहे हैं माता पिता कि त्यागी जी देना क्या चाह रहे हैं। भोजन, शिक्षा, संस्कार, आज आप अपने बच्चों को अच्छा अच्छा नहीं खिला सकते। आश्रम में बच्चे आके कहते हैं बाबा जी आज हमको रसगुल्ला खाना है। ठीक है, तुमको रसगुल्ला मिलेगा, कहाँ से मिलेगा ये बच्चों को नहीं मालूम, उसके लिए बाबा जी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बाबा जी को तो अकेले खाना हो तो किसी को देंगे 20 करोड़, तो 200 रसगुल्ला आ जाएंगे और 200 रसगुल्ला में बहुत ना हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बताएं, अभी 2 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल के दिन लोगों ने कहा कि बाबा जी रसगुल्ला चाहिए। हमने कहा ठीक है रसगुल्ला। अब उस दिन हमने कहा अब 500 रुपये का तो अकेले खोवा आया। ठीक है, इसके बाद अब जानते तो सारा सामग्री लगती और हमने अपने हाथ से प्रसाद बनाया। कहां कहां तक पहुंचा लोग, कहां कहां से पहुंचे। किसी ने कहा कि बाबा जी बताओ आप कितना परेशान होते हो, तो मैंने कहा इस आनंद को कोई नहीं समझ सकता, मैं तो इस आनंद को 20 रुपए में पा लेता, जीभ वाला आनंद। ठीक है ना भाई, खाना ही है और मेरे को तो पैसा भी नहीं लगना भाई, चाहे जिसको बोल दूंगा साहू जी आए तो साहू जी आज हमारी रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो साहू जी कहेंगे यार एक काम करो आज बाबा जी पहली बार बोले हैं 10 ठो लेके जाओ। ठीक, लेकिन जब 150-200 लोग रसगुल्ले खा रहे हैं उस आनंद को आप देखो, जो कुछ भी नमक रोटी भी यदि खा रहे हैं, लोग कहते हैं बाबा जी आप आश्रम में आपके पास स्वाद क्यों मिलता है, अच्छा क्योंकि उसमें समर्पण होता है। अभी एक छोटी विलायत की बच्ची 11वीं 12वीं का पेपर चल रहा था तो कहती बाबा जी पेपर के आखिरी दिन खिचड़ी बना देना। मैंने कहा पागल है क्या बिटिया, मैंने कहा खिचड़ी बोल रही कुछ और बता है, कह नहीं बाबा जी आपके हाथ की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब ये बच्चे देखिए ये भाव है, है ना। तो ये क्या होता है, ये आनंद, जब आनंद आप जिस भाव से परोसते हैं। एक होटल में हम भोजन किए, आपको बताएं आज से 10-12 साल 20 साल पहले की बात है, मंडला में राजस्थानी भोजन वहां पे मिलता था। तो जब भोजन किया हमने वहां पर, तो भोजन करते समय जो परोस रहा था ऐसा लग रहा था जैसे ससुराल का कोई साले सरहज परोस रहे हो। और जब हमने भोजन करने के बाद उससे बिल पूछा तो उसने बिल भी बताया, बड़ा बहुत कम बिल बताया। मैंने कहा भैया सबका बिल बताओ तुम, तो बोले सबई का तो बिल है। मैंने कहा इतना कम पैसा, बोले हम लोग प्रेम बांटने के लिए बैठे हैं, पैसा तो इसलिए लेते हैं कि सामान का लेते हैं, इस भाव का पैसा नहीं लिया जा सकता, सोचो आप। और होटल वाला तो ये वाली कमाई कर लिया, उसने पुरुषार्थ भी प्राप्त कर लिया, उसने परमार्थ भी कर लिया, पुरुषार्थ भी पा लिया, हम लोग क्यों नहीं पा पा रहे। तो दशरथ जी ने जब गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब मेरे दाढ़ी के बाल सब सफेद हो गए हैं, मालूम तो है कि संतान होनी है, लेकिन आप लोग उसके लिए कोई यत्न करिए, कोई प्रयोजन बताइए क्या करना पड़ेगा। तो सारे महात्मा जी लोग जो हैं उनने कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बताते हैं कि 60,000 वर्ष की उम्र थी उस समय दशरथ जी की, ग्रंथों के उसमें बताते हैं, है ना। सारे ऋषि महात्माओं ने मुनियों ने तैयारी की, तभी उनके जो मित्र हैं सुमंत्र जी बाल सखा हैं दशरथ जी के। और दशरथ जी कौन है, दशरथ जी कैसी शक्ति हैं आपको मालूम होना चाहिए कि दशरथ जी को इंद्र भी अपने साथ में अपने बाजू से बैठालता है आधे आसन पर। ये हैं दशरथ जी, दशरथ जी कोई साधारण नहीं है। बोले राम जी के पिताजी, राम जी के तो पिताजी है ही हैं। जिस घर में उत्तम कुल की संतान होगी पिता के भी कुछ कर्म तो सुपर होंगे, और उस कुल की तो हमने कल बात बताई थी आपको कि रघु का नाम ही इतना काफी था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वहां पर सुमंत्र जी ने कहा महाराज दशरथ से, कहते हैं कि महाराज इस यज्ञ के लिए गुरुजी की जो आज्ञा हो वो तो बहुत अच्छी बात है, एक महान तपस्वी हैं। कौन है, श्रृंगी मुनि। श्रृंगी मुनि के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, क्यों नहीं मालूम। श्रृंगी मुनि एक ऐसे मुनि हैं जिनके अंदर स्त्री पुरुष तक का भेद खत्म हो गया,
उनको स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। कैसे पता चला? एक बार अपने पिताजी के साथ जा रहे थे श्रृंगी मुनि, तो श्रृंगी मुनि को देख करके माताओं ने प्रणाम किया और उनके पिताजी को देख करके अपना मुंह ढकने लगी, तो उनके पिताजी को बड़ा अचंभा हुआ। और थी कैसी? निर्वस्त्र थी वो स्त्रियां जो थी, वो निर्वस्त्र थी। तो गुरु जी को देखकर पूरा तन ढक लिया, मन ढक लिया पूरा, और श्रृंगी मुनि को देख करके कुछ नहीं किया, निर्वस्त्र थी तो निर्वस्त्र रही। पिताजी को बड़ा अचंभा लगा कि लड़का मेरा, मेरे लड़के का इतना सम्मान। तो पूछा उनने देवियों से, देवियों क्या मेरे मन में कोई खोट है? बोले नहीं प्रभु, आपके मन में कोई खोट नहीं है, लेकिन आपकी जो संतान है ना, आपसे कहीं ज्यादा ऊंची सोच की है। आप तो स्त्री पुरुष का भेद जानते हैं क्योंकि आपने संतान उत्पन्न की है, तो आपको तो पता है, लेकिन आपकी जो संतान है, जो श्रृंगी मुनि है, श्रृंगी मुनि तो जानते नहीं स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। उनके लिए सब बराबर, सब परमात्मा की संतान है। तो श्रृंगी मुनि कैसे मिलेंगे? तो बोले राजा दशरथ जी के एक मित्र हैं, राजा रोमपाद, उनकी बेटी शांता, जिसको कभी कभी दशरथ जी की बिटिया के बारे में भी बोल देते हैं कि राजा दशरथ जी की बेटी शांता थी। राजा दशरथ जी के दामाद कौन है? कई बार नाम आता है, तो बोले श्रृंगी मुनि। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जी के मित्र थे राजा रोमपाद। ठीक है, ये कथाएं बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, ये कथाएं मिलती नहीं। क्यों? बोले कि भैया राम जन्म कर दो, राम विवाह कर दो, मटेरियल वसूल लो, आरती घुमा दो, आरती इकट्ठी करवा दो, खत्म काम। ठीक, बोले हो गई राम कथा। जब तक इस मर्म को नहीं समझेंगे, श्रृंगी मुनि से क्यों समझ में आई ये बात? हम लोग भी श्रृंगी मुनि जैसे हो सकते हैं क्या? और हम लोग ना हो पाए, अपनी संतानों को बना सकते हैं, क्योंकि हमारा आपका जीवन तो बहुत कट गया। हमारी आपकी संतानें एक ऋषि परंपरा को जीवित करें। आज लोगों के घर में चोर तो बन रहे हैं, दुकानदार तो बन रहे हैं, कलेक्टर तो बन रहे हैं, मंत्री तो बन रहे हैं, विधायक तो बन रहे हैं, लेकिन संत नहीं बन रहे। और संत अगर धोखे से बन गए तो बोले बड़ा मठाधीश है हमारा लड़का इस समय फलाने आश्रम में। अरे तपस्या करनी पड़ती है, कष्ट सहना पड़ता है, अपने हिस्से का त्यागना पड़ता है। जब आप अपने हिस्से का त्याग करते हैं और त्याग के बदले में जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं, वो है असली आनंद। चक्रवर्ती महाराज दशरथ को क्या कमी? लेकिन कहते हैं पुत्र तो चाहिए, कौन राजकाज संभालेगा, इतना साम्राज्य हमारे पास में, इसको देखने वाला कौन? और सबसे ज्यादा चिंता, साम्राज्य से भी ज्यादा चिंता है कि मेरी प्रजा की रक्षा कौन करेगा मेरे तरीके से। अपन कहते जमीन 10 एकड़ है, कौन संभालेगा? अरे जमीन तो 10 एकड़, कल 20 एकड़ थी, कल 50 एकड़ होगी, कल एक भी नहीं होगी। 30-35 साल 40 साल का चक्कर रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। आप लोगों ने तो जीवन देखा है, आपकी कितनी उम्र है? 80 साल। आप लोगों ने देखा है कि जब आप 20 साल के थे तो वो आदमी भिखारी था, आज करोड़पति है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके घर में खाने को नहीं था, जब आपकी उम्र 20 साल थी उसके पास खाने को नहीं था, आज वो जो है सम्राट बना है। और वहीं पर आपने देखा होगा जो आपकी 20 साल की उम्र में सम्राट था, आज उसके घर में खाने को नहीं है, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है ना? तो निश्चित मानिए ये चक्र चलता रहे, लेकिन राजा दशरथ जी की चिंता क्या है कि मेरी प्रजा की चिंता कौन करेगा? प्रजा की चिंता होनी चाहिए, जिसको प्रजा की चिंता है वो वास्तव में सच्ची चिंता कर रहा है। और उसके लिए बोला गया एक काम करते हैं, हम लोग जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कौन करवाएगा? श्रृंगी मुनि। जब श्रृंगी मुनि जैसे महात्मा आएंगे तब आपका पुत्रेष्टि यज्ञ सफल होगा। तो श्रृंगी मुनि कब आएंगे? श्रृंगी मुनि आएंगे जब उनके साथ में कोई ऐसी योजना बने। कब श्रृंगी मुनि शादी विवाह के लिए, पुत्र के लिए क्यों आएंगे? तो बताया गया कि राजा रोमपाद की जो पुत्री है उसके साथ में विवाह उनका हो चुका है। तो बोले काम करो, श्रृंगी मुनि को
अब शुरुआत जब विवाह की शुरुआत हो रही थी तो आपको सुनना चाहिए ये कथा। राजा रोमपाद जो है बोलते हैं, यार हमारी बिटिया विवाह के लिए तो है, श्रृंगी मुनि को दामाद बनाना है, और श्रृंगी मुनि स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते, तो कुछ सुंदर स्त्रियों को, पहले राजाओं के दरबार में सुंदर स्त्रियां इसलिए भी होती थी कि कोई दुश्मन को परास्त करना तो स्त्रियां भेज देती थी, क्योंकि स्त्रियों में जो आपने देखा महाभारत में शिखंडी, भीष्म ने कहा कि मैं भाई स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा, तो बोले काम करो शिखंडी को भेज दो, ठीक है। तो इसी तरीके से वहां पर बताया गया, तो राजा रोमपाद के दरबार से कुछ नर्तकियां जाती हैं श्रृंगी मुनि के पास में, बड़े मिठाइयां लेकर के, श्रृंगी मुनि के पिताजी ना मिले उस टाइम पर जाती हैं, और गई तो श्रृंगी मुनि बढ़िया ध्यान में बैठे थे, थोड़ा इन्हें घुंघरू बजाए खनकाए, श्रृंगी मुनि ने प्रणाम किया, बोले कौन है आप लोग, वो तो ये भी नहीं जानते कि स्त्री की पुरुष सुनने का, आप लोग कौन है, बोले हम भी आप ही जैसे शिष्य हैं, यहां से निकल रहे थे, सोचे आपके दर्शन कर लें। उन्हें बैठाला, उनको जलपान कराया, जो फल थे आश्रम में वो दिए, तो जो नर्तकियां थीं, देवियां थीं, उन देवियों ने भी अपने पास जो मिठाई लाई थी वो भी खिलाई। कहती ये क्या है, बोले हमारे पेड़ के फल हैं, रसगुल्ला ले गई थी, पेड़ा ले गई थी, लड्डू ले गई थी, बोले ये क्या है, बोले हमारे पेड़ के फल हैं, उनने फल समझ के खा लिया, क्योंकि उनके मन में भेद नहीं है। बोले तुम्हारे फल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बोले हाँ हमारे यहाँ यही फल होते हैं, बोले हमारे यहाँ भी कभी आइए हमारे आश्रम। श्रृंगी मुनि ने कहा जरूर चलेंगे। अब श्रृंगी मुनि को नहीं मालूम कि क्या खेल चल रहा है। उन देवियों ने फिर एक दिन निकाला समय और पहुंच गई, और उस दिन श्रृंगी मुनि उन्हीं के साथ चल दिए, चल पड़े, तो कहाँ आ गए, राजा रोमपाद के नगर में आ गए। राजा रोमपाद के जब नगर में आ गए तो उनके साथ में विवाह कर दिया गया, बोले जल्दी विवाह कर दो, ये आनंद में लिप्त हो जाए, नहीं तो इनके पिताजी को पता चल नहीं पाया तो राज्य नष्ट हो जाएगा पूरा, और जब विवाह हो जाएगा तो ज्यादा अब क्या कहेंगे, भाई बहू आ गई, अब क्या करेंगे, थोड़ा प्रेम में बंध जाएंगे वो भी, तो जल्दी विवाह कर दिए। तो बोले इस समय जो है श्रृंगी मुनि वहां पर रुके हुए हैं, चलिए अपन लोग चल के ले आते हैं, वो लोग पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। तो राजा दशरथ जी ने अपने गुरुजनों से, सबसे वशिष्ठ मुनि से अनुमति मांग करके और श्रृंगी मुनि को आमंत्रित किया वहां पर, श्रृंगी मुनि द्वारा यज्ञ कराया गया। यज्ञ में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, चीटी मटा भी भूखे ना रहें। अपन लोग जब पूजन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो क्या कहते हैं, कुल देवताओं को आमंत्रित कर लियो, सारे जितने भी हैं सबके लिए छिटकी बुंदकी डाल दियो, चीटा मटा के लिए सबके लिए डालते हैं ना, और यही उनने किया। जब हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं, जब सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं तो एक अलग वातावरण बनता है, और उस वातावरण में तो वही हुआ, और उस वातावरण से परमात्मा ने स्वयं वहां पर आने की योजना बनाई, ठीक है। जब आने की योजना बनाई, माताओं को जो है उसमें से जो खीर निकली हवन के बाद, उस खीर को उनको दिया गया, और माताएं जो हैं बड़ी आनंदित हैं, बड़ी प्रफुल्लित हैं, क्योंकि अब उनको एक ऐसा क्रम बन गया, अब हमारा भी जीवन सार्थक हो, क्योंकि माता के पेट में जब तक गर्भ में बच्चा नहीं आता है तब तक माता दुखी होती है। कितने भी संपत्ति दे दो आप उसको, पिता तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा शांत हो जाए, लेकिन माँ अपना जीवन तभी सार्थक समझती है कि जब उसको संतान मिल जाती है। जब तक उसको संतान नहीं मिलती है तब तक माँ जो है अंदर ही अंदर विलाप करती रहती है, और धीरे 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 एक ऐसा समय आता है कि हमारी कौशल्या माता, सुमित्रा माता, केकई माता, इनको सबको जो है सामान्य भाव से हम कहें तो सबके उदर पर गर्भ ठहर जाता है। हालांकि परमात्मा तो अवतरण लेते हैं, उनका तो अवतार होता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कहते हैं, तू मुझे जिस रूप में चाहेगा मैं तुझे उस रूप में मिलूंगा। बोले बाप बनोगे हमारे क्या, बोले ठीक है बन जाएंगे। बोले बेटा बनोगे, बोले बन जाएंगे। अभी आप किसी से बोलो बेटा, कहे तुम तो सबके बाप बने हो, मेरे को बेटा बोल रहे हो। राम जी ने कहा
आप मुझे किस रूप में चाहते हैं बताइए। हमारे तुम्हारे ढेर सारे रिश्ते नाते हैं, आप जिस रूप में मुझे चाहेंगे मैं आ जाऊंगा। कौशल्या ने कहा कि मैं तुझे अपना बेटा चाहती हूं। तो बोले बेटा के रूप में आएंगे। अपन लोग जब कृष्ण जी की बात करते हैं तो मीरा ने कहा मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। तो बोले चलो तुमको हम पति रूप में मिल गए। आप जिस रूप में चाहें उस रूप में परमात्मा मिलेंगे आपको। बस हमारे अंदर चाह होनी चाहिए। हम चाहते क्या हैं? जिसने चाह है उसने प्राप्त किया है, और यदि हम चाहेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा भाई। इच्छा तो रखनी पड़ेगी आपको। आप यहां कथा सुनने भी आए हैं तो घर से तो मन में भाव ही आया ना कि कथा सुनने चलना है। और नहीं यदि मन में भाव आता तो भाई ऐसे तो त्यागी जी जैसे ढेर सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन निश्चित मानिए, और जिस भाव से आप सुनेंगे उस भाव से प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसको राम जैसा रतन मिल जाए, रत्न क्या है? सबसे महंगी चीज होती है, ठीक है ना। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में तीन तरह के रत्न बताए जाते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम च सुभाषितम। पृथ्वी में तीन तरह के रत्न कौन कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम, जल। देखो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव में महानदी मैया का यहां पर जो है दर्शन होता है रोज, नहीं चाहने पर भी दिख जाती हैं। आप कहीं से घूमने निकले तो दर्शन हो गए। ये सौभाग्य किसका है? महानदी मैया के आजू बाजू रहने वालों को, जो उसमें कचरा बहाते हैं रोज, उनको भी माता जी दर्शन दे रही हैं। कांटा डाल देते हैं, कांटा कहीं से आया बोले बहा दो उसी नदी में, किसी के कांटा लग जाए। अरे कांटा निकालना सीखिए, कांटा लगाना मत सीखिए। तो पहला हो गया जल, दूसरा हो गया अन्न। अन्न आपका कहां से पकड़ा है? उसी नदी के जल से। आजकल तो बोरिंग है, कुछ दिन बाद बोरिंग जो है जाने वाली है। धीरे धीरे जल का स्तर जो है आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जल को सुरक्षित संरक्षित नहीं किया है, नदियों को। आज हमारे गांव की नदियों पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अंदर से बड़े टूटते हैं, अंदर से रोज देखते हैं हमारी नदियों में चोरी हो रही है। हमारे जिन नदियों में बड़े गड्ढे लगे रहते थे, आज उन नदियों को लोग बेच बेच के खा रहे हैं, राजा बन गए। नदियों को बेच करके राजा बन गए। और आप लोग, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम तो बोलते हैं, आश्रम में लोग आते हैं, हमको जब पैसा देते हैं 1,500 रुपये तो हम कहते हैं हमको नहीं चाहिए। आप तो नदी का उत्खनन बंद करवा सकते हो तो बंद करवा दो। क्यों? देखिए रेत निकालना गलत नहीं है, प्रकृति ने कहा है आप मेरा उपयोग करिए, पेड़ काटो मत। पेड़ की डगाल गिरती है तो उसकी लकड़ी जला लो ना, क्या दिक्कत है। आप जीवन में एक भी पेड़ मत लगाओ, कोई नहीं कहेगा, बस एक भी पेड़ काटना नहीं। इतनी लकड़ी निकलती है। एक बार क्या हुआ, जब इस सृष्टि में त्राही त्राही होने लगी, फिर हमारे आपके जैसे कुछ लोग संसार में आए, सबके अंदर पवित्र भाव जागने लगे, और तो और इस सृष्टि में आनंद ही आनंद बरसने लगा, तो सभी लोग साधु महात्मा बनने लगे। एक समय ऐसा आया, अब जब ऐसा आया तो धरती माता ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा समय है, अब सब साधु महात्मा बन गए, कोई भोजन नहीं कर रहा, फल नहीं खा रहा, सब ध्यान में बैठ गए, सब ध्यान साधना में बैठ गए सब लोग। अब एक गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? पेड़ों से फल गिर गिर के सड़ने लगे, कोई खाने वाला नहीं। काजू बादाम किशमिश बिही आम अंगूर सब जमीन में गिर के सड़ रहे, खाने वाला नहीं। सब तपस्वी भाई, सब जब तपस्वी हो जाएंगे तो ये जो गिर रहा है कहां जाएगा फल फ्रूट, अभी तो भाई बिक रहा है। तब धरती माता कराहने लगी, सड़न पैदा होने लगी, प्रभु अब काम को उत्पन्न करिए,
इसलिए काम को फिर उत्पन्न किया गया। भैया जाओ, तब फिर जो है जा करके उसके अंदर प्रवेश किया गया। जाओ फिर रंभा अप्सरा जैसी, मेनका जैसी अप्सराएं जो हैं जन्म लेती हैं कि जाओ थोड़ा लोगों को विचलित करो, सुंदर बन करके जाओ, घुंघरू बजाओ, कैसे भी करो, उसके अंदर वासना जगे, तब कहीं जा करके फिर। तो अगर एक सा सिस्टम बन जाए, सब साधु साधु बन जाए तब भी गड़बड़, सब चोर बन जाए तब भी गड़बड़, सब पुलिस बन जाए तब भी गड़बड़, और अगर अंधेला नहीं होगा तो उजाले की कीमत कैसे पता होगी। चोर नहीं होगा तो पुलिस वाले की जरूरत ही नहीं। पुलिस वाले आपको दिखेंगे तो आप कहेंगे भैया क्या बात है, हमारे गांव में क्या कर रहे हो आप। बोले अरे घूमने आए थे। बोले जाओ ना तो अपने थाने बैठो, हमारे गांव में चोर नहीं है। कितने बड़े गर्व की बात है इतना दिलेरी से कह देना, हमारे गांव में कोई बुरा आदमी नहीं है। यही तो चाहते हैं त्यागी जी, और क्या चाहते हैं कि आपके गांव से अच्छा पूरे संसार में कोई गांव ना हो, आपके गांव से अच्छा पवित्र पूरे संसार में कोई गांव ना हो, आपके बच्चों से अच्छे पूरे संसार में कोई बच्चे ना हो, आपसे ज्यादा ईमानदार ना हो कोई संसार में, आपसे ज्यादा कोई पवित्र ना हो संसार में, इसका संकल्प लें हम। जिस दिन हमने संकल्प ले लिया उस दिन से उस काम पर लग जाते हैं। जैसे हमारी बिटिया की शादी तय हो जाए, संकल्प लेते ना मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं, इसी तरीके से एक संकल्प और लेना पड़ेगा, दुनिया का सबसे अच्छा सबसे सच्चा गांव मेरा हो, दुनिया का सबसे सच्चा व्यक्ति मैं बनूंगा। धनवान बनने के लिए तो ढेर सारे लोग बैठे हैं, कहते हैं मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। अरे बड़ा आदमी कौन बन पाया है, बड़ा कोई बन नहीं पाता है, क्योंकि वो लगा रहता और पाने और पाने और नोचने में। सबसे बड़ा आदमी कौन है, जो सबसे बड़ा दानवीर है। महाभारत में यदि कर्ण ना हो तो महाभारत अधूरी है, रामायण में जटायु ना हो, सबरी ना हो, हनुमान ना हो तो रामायण अधूरी है। निश्चित मानिए ये पात्र हैं जिन्होंने रामायण को महाभारत को जीवित रखा है। कर्ण के पास बताइए कहां की संपत्ति थी, लेकिन कर्ण ने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए, बताया कि तुमसे छल करके लेने आ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, ये मेरे सामने जो आएगा याचक बन करके मेरा काम है उसको देना। हमसे किसी ने कहा बाबा जी आपके पास जो गाली देते हैं वो भी आते हैं, उनको भी आप प्रसाद देते हो। हमने कहा बिल्कुल देते हैं। बोले क्यों। मैंने कहा मेरे पास यदि कोई शत्रु भी आएगा, मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, उसका मैं हूं ना, वो मुझे शत्रु मानते हैं, मैं तो किसी को शत्रु नहीं मानता हूं। मैंने कहा यदि मेरे पास में कोई बंदूक लेकर भी आएगा कि त्यागी जी आपको हम मारने आए हैं, हम उससे कहेंगे पहले प्रसाद खा लो, तुम्हारी बंदूक मैं अच्छे से साफ कर देता हूं फिर मारना। ऐसा क्यों, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं। क्यों, मैं परमात्मा की सच्ची संतान हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। अरे इस शरीर को मारेगा, शरीर मर भी जाएगा तो तुम उस आत्मा को थोड़ी मार सकते हो। आत्मा ना कभी मरती है, आत्मा को कौन गीला कर सकता है, आत्मा को कौन सुखा सकता है, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है ना। और कहते हैं आत्मा तो कपड़े बदलती है, बदल लेंगे कपड़े। निश्चित मानिए जब ऐसे संकल्प जागते हैं तो उस समय बताया गया कि पृथ्वी में जो तीन तरह के रत्न है, पहला जल है, दूसरा अन्न है और तीसरा है सुभाषित वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अन्न को शीतल करे आप हूं शीतल होय। सियावर रामचंद्र की जय। सुराही, सुराही क्या करती है, सुराही कैसा भी पानी आप उसमें डाल दीजिए उसको ठंडा कर देती है, उसका तासीर है ठंडा करना। आपका हमारा तासीर क्या है हम आप पहचान लें, हमारा आपका तासीर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हमको वाणी कहते हैं मुखम किम दरिद्रम, अपनी जुबान से दर्द नहीं होना चाहिए, किसी से आप गलत शब्द मत बोलिए बस। तो बोले बाबा जी कोई आपको गाली दे रहा है। अरे ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध जा रहे थे रास्ते से, एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। संसार में आप जानते हैं एक से एक लोग पड़े हैं, और अच्छे लोगों को ही कष्ट दिया जाता है, ध्यान रखिए। बुरे लोगों को किसी को क्षमता नहीं कि कोई कुछ नुकसान कर दे।
है ना। तो संसार में अच्छे आदमी को ही कष्ट दिया जाता है, ये नियम है। और आपको वहां से हिलना नहीं है, हटना नहीं है। अगर आप वहां से हिल जाएंगे, हट जाएंगे, तो वो मजबूत हो जाएगा। आप अपना कर्म करते रहिए। आपको मालूम है ना, एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू को निकाल रहे थे और बिच्छू काट रहा था। तो किसी ने कहा, महात्मा जी आप इसको निकाल रहे हो और ये आपको काट रहा है। बोले, अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम बचाना है, इसका काम काटना है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। जिस दिन हम अपने अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, जिस दिन हमारे संकल्प जाग जाते हैं, सारे दुख दर्द सब भाग जाते हैं। किसको शौक लगती है 4 घंटे 5 घंटे चिल्लाते रहने की, क्या जरूरत है? बैठे बैठे कुछ ना कुछ परमात्मा भोजन प्रसाद तो दे ही देंगे। लेकिन अगर आपकी एक वाणी से, आपके एक शब्द से किसी का जीवन बदलने वाला है, डॉक्टर का एक इंजेक्शन आपको खड़ा कर सकता है, आपके तप से, आपके योग से, आपकी पवित्रता से, आप जब निकलते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, आपको देखकर सैकड़ों लोग मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। आप रोते हैं तो 10 लोग कहते हैं क्या हो गया। आप जब मुस्कुराते हैं, कहते हैं आज बड़े खुश हो, क्या बात है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। जिसके चेहरे पर रहेगी सदा मुस्कान, उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। इसको फार्मूला समझिए। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। भगवान के चेहरे पर देखिए फोटो, भगवान राम ने कितना बड़ा 14 साल का वनवास, 14 साल के वनवास में कभी उनके चेहरे पर कभी आपने दुख नहीं देखा। चाहे आपने फोटो देखी हो, चाहे वीडियो देखा हो, हमेशा मुस्कुराते रहते। क्यों? ये बताया गया है, आपको कष्ट तो आएंगे, कष्ट जो मिलेगा मुस्कुरा के सब सहेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश से है भाग्य अपना, ये हमको विचार करना पड़ेगा। इस देश से हमारा भाग्य है। और देश बनता कैसे? हमारे गांव की उन्नति, हमारे गांव की उन्नति से देश की उन्नति होगी। आज आज आप रामकथा सुन रहे हैं, कल आपके बच्चे, ऐसा प्रयास करिए आपके बच्चे रामकथा कहने लगे, आपके बच्चे जो हैं उस मार्ग पर चलने लगे। हमने आपको बताया कि आपके नाम से 10 लोग आपको जानते हैं, आपके बच्चे के नाम से 20 लोग जानते हैं। आप ऐसा प्रयास करिए कि आपके नाती के नाम से आपको पूरा जिला जाने। करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ मिल नहीं पाएगा। प्रयास तो करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे दशरथ जी ने प्रयास किया, यज्ञ किया, क्योंकि जब आप सत्य मार्ग पर चलते हैं, आप किसी पवित्र कार्य को करना चाहते हैं, उस यज्ञ से आपको हमने बताया कि तीनों माताओं के जब गर्भ ठहर गया, तीनों माताओं के जब गर्भ ठहरा तो पूरे अयोध्या नगरी में प्रसन्नता ही प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। आनंद के साथ में चारों तरफ, क्योंकि अयोध्या वासियों को बड़ा आनंद आया। खबर मिलती है ना जब, भाई आज देखो ये छोटे छोटे बच्चे, कई माताएं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग बेचारे गेहूं काटते काटते भी कथा सुन रहे हैं, अब कुछ लोग पास में होते हुए भी नहीं कथा सुन पाएंगे, ये नियम है। तो बोले कि उन अयोध्या वासियों को भी जो है ना बड़ा आनंद आया कि हमारे दशरथ जी के तीनों माताओं को गर्भ ठहर गया। कहां एक संतान नहीं होने वाली थी, अब तीनों माताओं को जब गर्भ ठहर गया है पूरी अयोध्या में, और इस आनंद को सब लोग आनंदित हो रहे हैं, सब लोग आनंद बांट रहे हैं। आनंद मिलता कब है? जब आनंद बांटा जाता है। जो बांटता है वही प्राप्त करता है, जो बांटेगा नहीं उसको मिलेगा भी नहीं। और हम लोगों ने महात्मा के साथ साथ में यहाँ पर आगे प्रवेश किया था। आगे हम लोग जिस कथा को श्रवण करेंगे, उस कथा में हमको बड़े बड़े मार्मिक चिंतन मिलेंगे, क्योंकि को निश्चित रूप से हम लोग जो है भगवान राम का जन्म का कल एक जो है प्रयास करेंगे। अगर अपने घर में है ना कोई नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे तो बढ़िया, उनको हम राम बनाएंगे। भाई आपसे कोई पूछेगा कि देवता बनने के लिए बाबा जी कहते हैं, हम लोग कैसे देवता बन सकते? बिल्कुल, हम ही लोग तो देवता बनेंगे।
क्यों बनेंगे? बोले ऐसे बने, ऐसे ही नहीं बनेंगे, उसके लिए ही तो प्रयास जारी है। ये जो कार्य हो रहा है उसी के लिए हो रहा है। हम लोग धन संग्रह करते हैं तो धनवान बन जाते हैं, ताकत संग्रह करते हैं तो बलवान बन जाते हैं, ठीक है, और बेईमानी करते हैं तो बेईमान बन जाते हैं, और अच्छे कार्य करते रहते हैं तो देवता बन जाते हैं। अब देवता क्या करते हैं? देवता बन करके हमको जो है पुनः फिर वही काम करना है, अपने जैसे लोगों को बनाना है। देवता काम क्या है? देवता सिखाता है, मुझे देख करके तुम भी जो है ऐसा ही करो, मुझे देख करके ऐसा ही करो। और जब देवता जैसे लोग करते हैं उसको देख के दूसरे सीखते हैं, उसको देख के दूसरे सीखते हैं। ये नियम है, क्रम है, ये चक्र चलते जाता है, चक्र चलते जाता है। आपको देख के आपके बच्चे सीखेंगे, उनके देख के उनके बच्चे सीखेंगे, गांव के मोहल्ले के पड़ोस के, ये सब जो है जैसे जैसे, और हम लोग धीरे धीरे देवता बन जाते। फिर बोले देवता और क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा बढ़िया प्रेम से बच्चे लोग आप अच्छे से बैठो भैया, अच्छे से बैठा सबको। और इसके बाद में हाँ सबको थोड़ा चावल फूल दे दिए, बच्चे लोग चावल फूल दे दो बेटे सबको, है ना। और देवता फिर क्या करते हैं? देवता बनने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों के लिए आप समर्पित हो सकते हैं। और मनुष्य योनि में आपके पास में ये कहते हैं ना, इसी कर्म योनि, मनुष्य योनि के समय पे आप जो कुछ कर सकते हैं इतना कर सकते, इतना कर सकते हैं जितना कोई। देखिए बताइए, गाय बैल को आपने हंसते देखा है कभी? है? कितना भी प्रसन्न हो कुत्ता, आपने कभी कुत्ते को हंसते देखा है? लेकिन आप चेहरे की मुस्कान से आप हंस भी सकते, दिखा सकते हो कि मैं खुश हूँ। थोड़ा सा आप मुंह बना लिए तो पता चल जाएगा दुखी हैं। क्या है ये? परमात्मा की कृपा मनुष्यों पर हुई। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। थोड़ा सा दो दो दाने मतलब दो दो दाने। चावल किसान कैसे उगाता है पता ना, बड़ी मेहनत से, इसलिए मात्र दो दाने कि फेंके भी न जाएं, चिड़ियों के हिस्से में जाएं। थोड़ा सा फूल का दे दो और दो दाने चावल के, है ना। हाँ, सीधे हाथ से दो, बढ़िया। तो समझ लीजिए, कुत्ता हंस नहीं सकता, या हंसता भी होगा तो अपना आनंद वो दिखा नहीं सकता आपको। गाय बैल हाथी घोड़े ये आपको हंसते हुए दिखाई नहीं देंगे, प्रसन्न तो रहते होंगे, ये भी प्रसन्न रहते होंगे, निश्चित सी बात है, है ना। तो मनुष्य के अंदर परमात्मा ने इतनी बड़ी चीज दे दी, भैया हंसिया ध्यान है जिसको, है ना। और इसीलिए तो हम लोग देवता बनने के लिए पैदा हो। हमारी यात्रा जो है ना, नर से नारायण की यात्रा है। हम लोग पैदा ही इसीलिए हुए हैं। लेकिन हम लोग आते हैं यहां पर, जैसे क्या होता है, सबसे पहले जब किसी नौकरी में व्यक्ति जाता है ना, तो कहता है मैं बड़ी ईमानदारी से नौकरी करूंगा, और फिर आता है तो कहता है किसी से अगर 10-20 ले लेंगे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है लिप्त होने लगता है। आप देखते हैं कितने सारे घूसखोरी के केस आते हैं, है ना। कई लोग जो हैं ड्यूटी पे जाके सोते भी हैं, ठीक है। हमसे कहते हैं बाबा जी आप जो है निरंतर कैसे बांट पाते हैं? हमने कहा ये उसकी कृपा हो गई, इसलिए उसने कहा अब लेने के लिए नहीं देने के लिए जीना है। और निरंतर आप, अब सोचो आप जो व्यक्ति 24 घंटे कमा रहा है वो दुखी है। देखिए चक्र, देखिए फूल को आप देखो, फूल कुछ नहीं करता, जहां पर खिला हुआ है वहीं से वो आनंद बिखेर रहा, उसको देख के ही आनंदित हो जाता है व्यक्ति, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा। और ये बताइए क्या फूलों की खुशबू को कोई उससे छीन सकता है? आप नहीं ले रहे फूलों की खुशबू तो आप जानो, आप यदि फूल की खुशबू आप नहीं ले पा रहे तो आप जानो, फूल तो कह रहा है ले लो, तुम्हारे पास ले लो मौका है, तुम्हारे पास में मौका है, फूल की खुशबू ले लो। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और लोगों के लिए
अगर हम लोग जरा जरा जो थोड़ा 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 करते चलें, पाप जब संग्रहित होते हैं तो पता नहीं चलता। अपन ने कहा अभी कि कांटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फूलों को लगाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। आप बच्चों को ऐसा ही छोड़ दो तो शराबी बन जाएंगे, जुआड़ी बन जाएंगे। अच्छा बनाने के लिए उनको डांटना भी पड़ेगा, प्रेम भी करना पड़ेगा। सबने क्या कहा कि बाबा जी आपके पास में बच्चों की संख्या ज्यादा होती कथा सुनने में। क्यों होती? क्योंकि बच्चे है ना, बच्चे जो हैं, बच्चे परमात्मा का ही तो रूप है, बच्चे परमात्मा का ही रूप है। और इन परमात्मा को देख देख करके कहते हैं फूलों से नित हंसना सीखें, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखें और भौरों से नित गाना, और तरुकी झुकी डालियों से सीखें सबको शीस नवाना। ये है हमारे प्रकृति। अगर हमारे तब हम बनेंगे राम, और नहीं तो खूब राम कथा नहीं कुछ भी आप सुन लो। जब तक आप, अपन ने कल भजन किया था कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे राम, तो जब पहले तो आएंगे नहीं, और जब आएंगे नहीं, क्यों बेटा? सबसे पहले तो आप लोग बात करना है तो नीचे जाना भैया, ठीक है? बहुत ध्यान सुनना। देखो हम जानते हैं आप लोग काम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन अपन को थोड़ी दूर जाके बात करना, ठीक है? है ना, और नहीं तो आपकी आवाज यूट्यूब तक में चली जाएगी, जानते हो ना। हाँ है ना, तो हमको सूर्य ने शिक्षा दी कि देखो मैं स्वयं को भी जला करके तुमको रोशनी देता हूँ। दीपक यही कहता है कि मैं खुद को जलाता हूँ तब तुमको रोशनी मिलती है। लोगों ने कहा बाबा जी आप धूप में पैदल आते हो। हमने कहा ठीक है, जितना चलना है कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई इंतजार कर रहा है। और हम जब आप लोगों के पास आते हैं ना, तो सारी हमारी जो थकावट है वो सब खत्म हो जाए। क्यों? कि एक व्यक्ति भी यदि हृदय से सुनेगा ना हमको, एक व्यक्ति भी यदि हृदय से समझ जाएगा ना हमको, हमारे विचारों को, तो बस काम हो गया। यदि एक त्यागी जी के कारण एक त्यागी जी भी मरते दम तक यदि पैदा हो गया, तो ये समझ लो कि हमारा जीवन। कहते हैं यदि आपके घर का कोई अच्छा मीठा फल है तो कहते हैं ना बीज रख लो इसका, ये त्यागी जी के बीज हैं। ये जो दिख रहे हैं ये सब बीज हैं। ये बीज एक दिन आपके गांव को उन्नत करेंगे, समृद्ध करेंगे, आपके गांव में आपका नाम रोशन करेंगे। अभी तक आपके नाम से आपको कोई नहीं जानता, और जानते भी तो सब कोई नहीं जानते। आप देखिए महंत बाबा जी नहीं है संसार में, लेकिन आज हैं, ठीक? अगर कोई बोले कहाँ जा रहे, बोले छोटी विलायत, बोले छोटी विलायत किसके यहाँ, बोले महंत बाबा के यहाँ, बोले अच्छा ये तो कोई धर्मात्मा आदमी है। देखो उसके ऊपर सील लग गई कि महंत बाबा के पास जा रहा मतलब कोई धर्मात्मा आदमी है। अभी आपके पास कोई आपका नाम लेके आएगा तो इतनी जल्दी जो है कहेंगे हो ही कौनो, है ना? आपके पास कोई जाएंगे, आपके पास कोई जाएंगे, ठीक है? सबके पास अलग अलग, ठीक है? इस मंदिर जाने वाले का चाहे भाव कितना भी गलत हो, चाहे वो मंदिर में चोरी ही करने क्यों ना जा रहा हो, लेकिन लोग कहेंगे मंदिर जा रहा कोई धर्मात्मा आदमी है। इसलिए आज आपके नाम से, हमने कल बताया था आपको कि आपका यश, आपका वैभव, आपकी कीर्ति, जैसे देखिए अभी आपने कहा जाओ नारियल लेके आ जाओ, ये क्या है? ये अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, भाई मेरी भी तो जिम्मेदारी है। हम जीवन भर खा ही तो रहे हैं, हमने जीवन भर। और अगर अभी आपसे पूछा, एक सज्जन आए आश्रम में, बड़े धनवान व्यक्ति, तो बोले बाबा जी क्या बताएं, टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा बढ़िया है, आप कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके आपकी उम्र कितनी हो? बोले लगभग 50 साल है। कितने साल से कमा रहे हो? बोले लगभग 30 सालों के कमाते, 20 साल की उम्र से कमा रहे हैं। तो मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 30 साल हो गए कमाते। मैंने कहा 30 साल हो गए कमाते, अगर आज आपसे कोई पूछे आपके पास पर्याप्त हो गया, तो मैं जानता हूं आप क्या कहोगे,
बोले क्या? आप कहोगे अभी नहीं हुआ बाबा जी। ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि 30 साल में आपके पास में इतना है कि आप 3 साल बैठ के खा सको, तो आप कहोगे नहीं है बाबा जी। तो आपने 30 साल फिर कमाया क्या? हमने कुछ कमाया नहीं। और तो और, एक व्यक्ति भी अकेले में आपको कोई कह दे